भाई यहाँ पे ना भीख नहीं मांगते, यहाँ पे चंदा मांग रहे हैं भाई। देखो अभी तक कोई भीख मांगने वाला मिला नहीं मुझे, यहाँ पे चंदा मांग रहे हैं सारे। 1400 रुपये, मतलब मैंने एक वक्त का खाना मैंने जो है बहन जो 1400 रुपये खर्च कर दी। भाई ऐसे क्या खाया बहन जो पेट तो यार बाहर थोड़ा सा आया है बस। देखा बहन जो यहाँ पे एक वक्त की खाना खाने के लिए साला 1400 रुपये देने पड़ते हैं। मैंने इनको बोला कि ट्रांसलेटर यूज़ करके कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और आपके शॉप देखा तो मैं यहाँ पे रुक गया कराने के लिए, तो अब देखी जाएगी कैसा होता है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं हनोई में हूँ, जैसे कि पता है ये हलोंग बे से जो है मैं आ चुका था यहाँ पे। तो अभी जो है मैं रह रहा हूँ, एक जापान कॉलोनी है वहाँ पे मैं रह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे इसलिए मैं रह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जो है मुझे बजट फ्रेंडली जो है वो स्टेइंग का मिला है। इसलिए अभी जो मैं आया हूँ ओल्ड टाउन की तरफ और यहाँ पे जो है इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी सारे हैं, तो इसीलिए जो है मैंने इंडियन रेस्टोरेंट ट्राई करने के लिए मैंने सोचा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं ट्राई कर चुका हूँ, तो मैं यहीं से जा रहा था, जो ग्रैब वाला जो है यहीं से मुझे छोड़ने जा रहा था, तो मैंने कहा यहीं रुक दो। तो यहाँ पे मैंने देखा एक ताज करके एक इंडियन रेस्टोरेंट था जिसमें वेज एंड नॉन वेज दोनों मिलता है, पर मैंने कुछ ऑर्डर करी है, आपको दिखा देता हूँ क्या ऑर्डर करी है मैंने खाने के लिए। यार मुँह धो रखी है बस और ब्रश वगैरह कर रखी है बस, और तो ऐसे ही आ गया मैं। ये है कुछ जैसे कि बटर मिल्क मैंने ऑर्डर करी है और इसका प्राइस भी मैं बता दूंगा एट द एंड वीडियो के। बटर मिल्क मैंने ऑर्डर करी है और इसके साथ साथ जो है मुझे सैलेड मिली है जिसमें जो है ये प्याज है और ये वो है और एक चटनी है ग्रीन चटनी और गुलाब जामुन है दो इसमें, और ये छोले हैं और ये भटूरे हैं। भटूरा सिर्फ एक ही दिया है, अब पता नहीं भाई कैसे होगा। तेल तेल की तो नज़र आ रहा है लेकिन हैवी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हैवी है। चलो कोई नहीं, इसको खा के देखते हैं और कैसे टेस्ट है जो है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखो झंडा भी लगा रखे इन्होंने दो, इंडियन और वियतनाम का जो है झंडा, और शायद ऊपर भी है। थोड़ा सा जो है एम्बियंस इस तरीके से आपको मिलेगा, काफ़ी इंडियंस लोग बैठे हुए हैं। छोटा सा जो है रेस्टोरेंट है, यहाँ से ये ओल्ड टाउन पड़ जाता है ये पूरा। छोले मैंने टेस्ट करी, बहुत मस्त है छोले भी, और भटूरे भी मैंने टेस्ट करी है, ज़्यादा अच्छा है और इसमें तेल वेल भी नहीं है, ओली भी नहीं है ये पूरा। ये बहुत गर्म है तो भाई मेरे जीभ जल गया है खाते ही। तो बस अभी खाना खा के जो है फिर कवर करता हूँ। मैंने भाई सब ट्राई कर लिए, भटूरे मेरे ख़त्म हो गए, अब चावल मंगाया है मैंने, चावल खाऊंगा और छोले के साथ, उसके बाद जो है उसमें मिक्स करूंगा मैं छाछ। ये है भाई हमारा साउथ इंडियन स्टाइल, और उसमें चटनी भी डालूंगा सारा। अभी मैंने खाना खा के जो है मैंने बिल ले लिया, तो अभी देखते हैं बिल में कि कितना जो है इन्होंने लगाया है, क्या प्राइस लगाया है, और कंपेयर करूँगा कि प्राइस जो है सही है या नहीं है अदर रेस्टोरेंट से। ये है भाई प्राइस लिस्ट, जहाँ पे आप देख सकते हो बासमती राइस का जो है 75 लगाया है, और भटूरे का जो है 55 है, और चना मसाला जो है 135 है, और गुलाब जामुन जो है 85 है। ओ भाई सब गुलाब जामुन थोड़ा सा महंगा है, बटर मिल्क 50 है, ठीक है। यहाँ पे टैक्स लगता है जैसे कि 8% है, यहाँ 432 आ रखा है इंडियन रुपीज़ में, लगभग ये हो गया भाई 432 जो बता रहा था मैं, 1400 रुपये। मतलब मैंने एक वक्त का खाना मैंने जो है बहन जो 1400 रुपये खर्च कर दी। भाई ऐसे क्या खाया बहन जो पेट तो यार बाहर थोड़ा सा आया है बस। देखा बहन जो यहाँ पे एक वक्त की खाना खाने के लिए साले 1400 रुपये देने पड़ते हैं, 1000 से 15000 देख 1500 देख लो। वेज होने का ये है भाई नुकसान, मैं क्योंकि मैं प्योर वेज हूँ, क्योंकि कहीं पर भी जाते हैं ना मोस्टली ट्रैवलर्स क्या करते हैं, कहीं पर भी जाते तो वहाँ के ना लोकल फूड ट्राई करते हैं, क्योंकि लोकल फूड जो है सस्ता मिलता है। मैं हलोंग बे से जब से आया था ना साला, यार पैर में ना बहुत ज़्यादा वो रखी है, क्या बोलते हैं पेन हो रखी है, तो मैं सोच रहा था कि लेग मसाज ले लूँ, देखते यहाँ पर कोई छोटा सा जो है सस्ता रेस्टोरेंट अगर दिख गया तो वहाँ पर ले लेता हूँ। अभी मैंने जहाँ पे मैंने लगेज रखी थी वहाँ पे मैं आया हूँ अभी, तो यहाँ पे जो है अभी यहाँ से लगेज उठाऊँगा, उसको ग्रैब करके फिर यह जो है वहाँ से लेके जाऊँगा भाई मुझे, कि यहाँ पे क्या ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी होता है, इसलिए जो है मैंने हॉस्टल में रख दी थी थोड़ा लगेज वगैरह जो है, तो उसके अलावा जो है
और गंगे वगैरह से घूम के मैं आ गया था, तो इसीलिए कोई दिक्कत थी ही नहीं वैसे। यही है भाई बेड, ये भाई मेरे बेड, पता नहीं बहुत सारे लगेज रख रखे इन्होंने। आ भाई काफी लोग आ गए हैं। A few moments later. Hey guys, आज जो है थोड़ा सा जो है मैंने सोचा कि हनोई जो है घुमा जाएगा, तो रात को जो है थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ हनोई। तो यहाँ पे यार मुझे लगा बाल कटाने चले जाता हूँ करके, तो इसलिए बाल कटाने आ गया मैं यहाँ पे। तो सारी शॉप मैंने देखी, 10 बजे बंद हो रहा है कोई कोई 11 बजे, तो अभी 11 बजे नहीं है, यहाँ पे एक शॉप है। तो मैंने कहा चलो ऐसे घूमना भी हो जाएगा और देखना भी हो जाएगा, तो मैं इसलिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट शॉप जो है वो 9 बजे 10 बजे तक जो है क्लोज हो जाते हैं। भाई हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ये हेलमेट में कोई जान है नहीं, फिर भी भाई इसको लगा के रखना है। तो गली में जो है मुझे दिख गया यहाँ पे थोड़ा, ये गली सा है तो इसमें दिख गया मुझे एक, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि हेयर जो है कट कर। नाम पता नहीं क्या लिखा है, ये कुछ नहीं पता, ये है भाई शॉप और इसके अंदर जो है मैं जाऊँगा। हाय क्यूट। तो ये है भाई शॉप का सेटअप। भाई कतई काला हो गया हूँ यार, भैंस जैसे हॉलोंग बे वगैरह जब गया था ना वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा काला हो गया। भाई पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जो है यहाँ पे हेयर कट कराने आया हूँ, तो ये लोग कैसे करते हेयर कट में देख लेता हूँ। अभी जो है हेयर वॉश वगैरह हो रहा है मेरा, अभी ये कितने लेते ये पता नहीं है कुछ। मैंने इनको बोला कि ट्रांसलेटर यूज़ करके, कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और आपके शॉप देखा, तो मैं यहाँ पे रुक गया कराने के लिए। अब देख ही जाएगी कैसा होता है, कैसे करते हैं लोग। फिर भी यार मेरा कलर वलर जो है डाउन हो गया यार, वहाँ पे बहुत काला हो गया। भाई अभी बैठा हूँ यहाँ पे, तो ये शॉप देख सकते हो, इन भैया की शॉप है और ये 26 साल के हैं और वो जो है शॉप 1998 से जो है अभी ये कर रहे हैं। भाई इसने कर दिया है भाई, चिपका दिया बाल भाई, अब जाके नहाऊंगा उसके बाद ठीक रहूँगा। ये बढ़िया करा बंदे ने, मुझे लगा थोड़ा बहुत जो है फल फ्रूट यहाँ पे दिखा, तो मैंने कहा यार ले लेता हूँ थोड़ा बहुत जो है खाने पीने के लिए यूज़ हो जाएगा। यहाँ देखो ये है भाई इतने बड़े बड़े जो है वो है क्या बोलते उसको, अमरूद खाने के लिए। और ये है, ये भी मैं ले लूँ क्या खाने के लिए, ले लेता हूँ। और मैंगो है भाई इतने मोटे मोटे, और चेरी है ये ले लेता हूँ। उसके बाद ये भी ले लेता हूँ थोड़ा, 50, 60, 70, 80। भाई इन्होंने पता नहीं कितने का दिया और इन्होंने पता नहीं कितने का दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने 1,00,000 रुपये का ले लिया भाई ये वाला, 1,00,000 रुपये दिया मैंने। अब यहाँ से जो है घर जाऊँगा, फिर शावर लूँगा, फिर सो जाऊँगा भाई। देखते एडिट करना शुरू कर देता हूँ यार वीडियो आज अगर टाइम मिलता है तो। हाँ अबे यहाँ तो बहन जो पता नहीं धूल ही धूल उड़ रहा है यार, यहाँ पूरा देखना धुंधला धुंधला सा हो रखा है साला, पता नहीं पहला रूट ऐसे देखा है मैंने, ये साला बीच में ही खड़ा है ये पूरा। कूड़ादानी भाई, नीटनेस है भाई, क्लीननेस है, इतना तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्लीननेस है। मैं आराम आराम से जा रहा हूँ ब्लॉग बनाते बनाते। भाई यहाँ पे ना भीख नहीं मांगते, यहाँ पे चंदा मांग रहे हैं भाई। देखो अभी तक कोई भीख मांगने वाला मिला नहीं मुझे, यहाँ पे चंदा मांग रहे सारे। वैसे यहाँ पे बाइक तो इस तरीके से आते कि साला पूरा जो है वो झुंड हो बैन जो पूरा चींटियों का झुंड। ये देखो बैन जो पूरा ना ऐसे झुंड सा निकल जाता पूरी की पूरी इस तरीके से, मुझे देख ही रहा है ये ब्लॉग भी बना रहा करके, पूरा इस तरीके से मेरे पीछे ना पूरा झुंड निकल रही है, बिल्कुल पीछे पूरा का पूरा वैसे ही झुंड है। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है और बाइक वगैरह जो है स्कूटी वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पे, ज़्यादातर ये। फिर भी यार सही लग रहा है। मैं इस एरिया में रहता हूँ, इस एरिया को बोलते हैं जापान वाला एरिया,
लेकिन भाई जापनीज एक भी नजर नहीं आ रहे। ये जो गली है ना, छोटा सा जो सर्कल कैसे निकल रहा है, उस गली के अंदर रहता हूँ मैं पूरा। बहुत गलियाँ गलियाँ घुमा घुमा के है ये वो पूरा। यहाँ पे भाई खा रहे, फो खाते हैं, पता नहीं फो करके बोलते हैं इसको, ये खा रहे हैं।